दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2006 में रिलीज की गई मूवी विवाह एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी और इस मूवी में नजर आने वाले सभी कलाकारों ने अपनी एक्टिंग से सभी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। जहां पूनम बनी अमृता राव तो दर्शकों की चहेती बन ही गई थी, साथ ही इस फिल्म में इनकी छोटी बहन के तौर पर दिखाई दी अदाकारा ने भी दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जहां रजनी के तौर पर नजर आई ये अभिनेत्री सपोर्टिंग रोल में भी फिल्म के जरिए अहम बन गई थी। लेकिन दोस्तों, आज इस मूवी को रिलीज हुए पूरे 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं और बीते इन 16 सालों में इस मूवी में अमृता राव की बहन का किरदार निभाने वाली ये अदाकारा आज कहाँ है, क्या करती है और कैसी दिखती है। अगर आप भी इन्हीं सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ ही अपनी फेवरेट फिल्म विवाह के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। विवाह मूवी में पूनम की बहन रजनी का किरदार निभाने वाली अदाकारा का असली नाम अमृता प्रकाश है, जिनका जन्म 12 मई 1987 को जयपुर में हुआ था, जहां से इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की थी। वहीं अगर बात करें इनके अभिनय करियर के बारे में तो इन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1999 में आए शो फॉक्स किड्स में मिस इंडिया का किरदार निभाकर की थी और आगे चलकर इन्हें कई सारी फिल्मों और सीरियल्स में एक्टिंग करने का मौका मिला, जिसमें ये है आशिकी, अकबर बीरबल और महाकाली जैसे शोज के नाम तो शामिल है। साथ ही साथ मैंने दिल तुझको दिया, कोई मेरे दिल में है और एक विवाह ऐसा भी जैसे कई फिल्मों के नाम भी शुमार हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज इस मूवी को रिलीज हुए तकरीबन 16 साल बीत चुके हैं और मूवी में अमृता राव की बहन का किरदार निभाने वाली अदाकारा अमृता प्रकाश भी काफी ज्यादा बदल गई हैं। बता दें कि आज ये 34 साल की हो चुकी हैं, जहां फिल्म में ये सूट पहनी हुई नजर आई थी जिसमें थोड़ी सांवली लग रही थी। इसी के साथ ही इन्होंने दो दो चोटी कर रखी थी जिसमें बहुत क्यूट लग रही थी। वहीं आज फैशनेबल कपड़े पहनती हुई नजर आती हैं, साथ ही फेयर भी दिखती हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसके बदले हुए ड्रेसिंग सेंस और हेयर स्टाइल ने इन्हें पूरा बदल दिया है। इसी के साथ ही इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा हुआ है, जो पटियाला बेब्स में ईशा ओबराय का किरदार निभाती हुई नजर आई थी। वहीं अब बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो आपको बता दें ये फिलहाल अभी सिंगल हैं, पर इनका नाम एक बार विवियन डिसेना के साथ जोड़ा गया था। पर जब इन दोनों से इस रिश्ते के बारे में पूछा गया तो इन दोनों ने इन सब बातों को अफवाह बताते हुए दोस्ती का नाम दिया था। तो दोस्तों, आपका अभिनेत्री अमृता प्रकाश के बारे में जानकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।